Hello students, I hope you all will be fine at your home. So in our previous video, we completed our chapter, second chapter, Nelson Mandela. And in this chapter, we will take out all the comprehension checks and the question answer from this chapter. तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर इसमें बनते हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा जो फर्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, दैट इज ऑन पेज नंबर 18 एंड 19. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस. तो ये बात क्वेश्चन पूछा है कि जो साउथ अफ्रीका में सेरेमनी हुई थी वो कौन सी जगह पे हुई थी. अब द क्वेश्चन इज फ्रॉम लाइक इट इज दैट डिड वेयर डिड. तो जो आंसर होगा वो सेकंड फॉर्म में होगा. तो आप आंसर लिखेंगे द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. ये जैसे ही आपका सेकंड जो पैसेज है चैप्टर स्टार्ट होते ही उसकी जो पहली दो लाइनें हैं वो इसका आंसर है. सो द आंसर इज वेयर डिड द क्वेश्चन इज वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस. सो द आंसर विल बी द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली कलरफुल एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आगे. Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? क्या आप इंडिया में कुछ ऐसी buildings के नाम बता सकते हैं जो कि sandstone से बनी है? तो हमारा answer होगा Red Fort, Parliament House and Jama Masjid. ये तीनों जो buildings हैं ये sandstone से बनी हुई हैं. चलिए second question देखते हैं. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका. अब क्वेश्चन आता है कि जो 10 मई का दिन जो दिन था वो साउथ अफ्रीका में एक ऑटम डे की तरह कैसे था. तो आप आंसर में लिखेंगे क्यों, क्योंकि वहाँ उस दिन जो मौसम था वो बहुत ही खुशनुमा था और जो वेदर था वो क्या सिग्निफाई कर रहा था, लिबर्टी को सिग्निफाई कर रहा था, वहाँ के लोगों की फ्रीडम को सिग्निफाई कर रहा था. तो आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज ऑफ वेदर इट वॉज अ प्लीजेंट डे, सेकेंडली देर वॉज द डॉन ऑफ लिबर्टी फॉर द ब्लैक पीपल आफ्टर मोर देन 300 ईयर्स ऑफ द रूल ऑफ वाइट पीपल. तो इसका आंसर हुआ कि वो एक ऑटम डे इसलिए भी था, क्यों, क्योंकि उस दिन मौसम बहुत सुहावना था. सेकेंडली वहाँ के जो ब्लैक पीपल थे उन लोगों को 300 सालों के जो अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था वहाँ पर, वाइट पीपल का जो शासन चल रहा था वहाँ पर, उससे उनको मुक्ति मिली थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. अपनी स्पीच के बिल्कुल ही शुरुआत में मंडेला जी ने कहा था, एक डिस्कस किया था कि extraordinary human disaster क्या है. तो वो जो human disaster है वो है repression of black people by the white rulers. मतलब जो white rulers थे उनके कारण जो ब्लैक पीपल के ऊपर जो भेदभाव हो रहा था, जो उनका शोषण हो रहा था, उसके बारे में बात की गई है. नेक्स्ट, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड. तो जो मंडेला जी हैं उन्होंने अपनी स्पीच में किस बारे में बात की थी कि ग्लोरियस डॉट डॉट ह्यूमन अचीवमेंट, कि ये जो दिन है वो ह्यूमन अचीवमेंट के लिए एक ग्लोरियस डे है. इसका मतलब क्या हुआ था कि उस दिन वहाँ के लोगों को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम द वाइट रूल बाय ब्लैक नेटिव्स. ओके, सो व्हाट आंसर विल यू राइट डाउन, यू विल राइट डाउन दैट मंडेला मींस बाय दिस दैट इट शोज द
it shows the political independence that the black people got from the white people. So, यहाँ पर उस आजादी के बारे में बात की गई है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर. तो मंडेला जी ने उस दिन जो इंटरनेशनल लीडर्स वहां पर आए हुए थे उनको किस बारे में थैंक यू बोला है. तो उन्होंने जो जवाब दिया था कि वो जो दिन था वो जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन था, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स का थैंक यू बोला था. तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर द जस्टिस, और यू कैन से फॉर बीइंग द आई विटनेस ऑफ जस्टिस, पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस कॉम्प्रिहेंशन चेक इज, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. तो जो मंडेला जी थे उन्होंने क्या आइडियल्स, आइडियल्स का मतलब यहाँ पर आदर्श है, कि उन्होंने क्या आदर्श सेट किए थे वहाँ जो साउथ अफ्रीका है उसके फ्यूचर के लिए. तो ही सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सफरिंग, फ्रॉम डेप्रिवेशन, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. तो जो मंडेला जी थे उन्होंने आदर्श स्थापित किए थे कि उनकी धरती पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं सहेगा. सो अब हम बढ़ते हैं आगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन सेकेंड के लिए. नाउ वी विल डू अनदर कॉम्प्रिहेंशन चेक फ्रॉम पेज नंबर 21. द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चेक इज, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू. तो उस दिन मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया था, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई, और उनका जो बिहेवियर था, एटीट्यूड था, वो क्यों चेंज हो गया था और किस तरीके से चेंज हो गया था, रीजन क्या था. तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द मिलिट्री जनरल्स कम एंड सल्यूटेड मंडेला. व्हाट विल यू राइट डाउन, द मिलिट्री जनरल्स कम एंड सल्यूट मंडेला, देयर बिहेवियर हैज चेंज, इन पास्ट दे वुड हैव अरेस्टेड नेल्सन मंडेला इंस्टेड ऑफ सल्यूटिंग हिम. कि आप ये लिखेंगे, वो आए और उन्होंने नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट किया, उनका बिहेवियर चेंज हो गया था. क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्ट में नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट करने के बजाय उन्हें अरेस्ट कर लिया था. नेक्स्ट देखेंगे, व्हाई वर टू नेशनल एंथम सन. उस दिन दो राष्ट्रगान गाए गए. क्यों गाए गए, क्यों उस दिन दो राष्ट्रगान जो थे वो ब्लैक कम्युनिटी और व्हाइट कम्युनिटी दोनों के लिए गाए गए. सो यू विल राइट डाउन, द टू नेशनल एंथम्स वर संग फॉर ब्लैक कम्युनिटी एंड व्हाइट कम्युनिटी. आगे चलते हैं, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डेकेड. पहले वाले डेकेड में, पहले जो बिल्कुल 20th सेंचुरी का जो पहले 10 साल थे, उसमें किस तरीके से साउथ अफ्रीका में जो सिस्टम था गवर्नमेंट का वो कैसा था. तो आप क्या लिखेंगे, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इट वॉज फॉलोड बाय द सिस्टम और द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड. I told you apartheid, it is a discrimination between people on the basis of gender and their race. So now you will write down for the second part, in the final decade of the 20th century the policy was replaced with the policy or with the system based on equality and freedom. To jo last ka decade tha usme kaun si policy ne पहले वाली पॉलिसी का जो जगह थी वो ले ली थी, और जो नई पॉलिसी थी वो बन गई थी किस चीज़ की, ऐसी पॉलिसी जिसमें इक्वालिटी थी और फ्रीडम थी, समानता थी और स्वतंत्रता थी. आगे देखिए, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला. मंडेला के जी के लिए करेज का मतलब क्या था. करेज का मंडेला जी के लिए मतलब था दैट ही डज नॉट मीन इट बाय द एब्सेंस ऑफ फियर. कि बहादुरी का मतलब, साहस का मतलब
डर का होना नहीं बल्कि उसके ऊपर जीत पा जाना है. तो यू विल राइट डाउन द करेज मीन्स टू मंडेला और यू कैन से मंडेला डज नॉट मीन द करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. ट्रायम्फ का मतलब किसी चीज पर काबू पा लेना, जीत पा लेना. सो यू विल राइट डाउन करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट. मंडेला जी के हिसाब से प्यार करना या नफरत करना कौन सी चीज नेचुरल है. तो मंडेला जी के लिए टू लव इज अ नेचुरल थिंग बिकॉज द लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट. क्यों? क्योंकि जो प्यार है वो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आ जाता है. आइए अब हम नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं. नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक दैट इज ऑन पेज नंबर 24. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस चेक इज वॉट twin obligations does Mandela mention. I told you obligation means kartavya. तो Mandela जी के अनुसार एक इंसान के दो कर्तव्य क्या होते हैं. हमने पढ़ा था कि Mandela जी के अनुसार जो एक इंसान है उसके दो कर्तव्य. पहला कर्तव्य जो कि उसके परिवार उसके घर वालों के लिए है और दूसरा कर्तव्य उसकी सोसाइटी उसके देश और उसके देशवासियों के लिए. What will you write down? Mandela mentions twin obligation, that is the first obligation is for his family, for his wife, brother, son, children and his family. The second obligation is for his people and for his country. So, दो ऑब्लिगेशन की बात की, एक उसके परिवार के लिए और दूसरा ऑब्लिगेशन उसके देश और उसके लोगों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय. मंडेला जी के लिए आजादी का मतलब क्या था जब वो एक छोटे बच्चे थे, देन एज अ स्टूडेंट और जब वो एक स्टूडेंट थे. हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज transitory freedoms with the basic and honorable freedoms. और उन्होंने कैसे उस चीज को contrast किया था, कौन सी दो freedoms को. एक तो transitory freedoms. transitory का मतलब क्या होता है, पल भर के लिए, थोड़े टाइम के लिए. and the basic and honorable freedom वो आजादी जिसमें आप अपनी पूरी dignity के साथ रहते हैं. तो first question क्या, how does being free mean to Mandela as a boy. then as a boy, being free meant to Mandela being free to wander in the fields, to swim, to run through the villages. तो जो वो बच्चे थे उनके लिए आजादी का मतलब क्या था, कि गांवों में ऐसे ही घूमना, तैरना और सड़कों पर ऐसे ही मस्ती में घूमते रहना. Then, as a student, being free it meant to be free to stay out at nights. And to read whatever pleased him and to go where he chose. मतलब as a student उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि वो रात में अपनी मर्जी से कहीं पर भी रात बिता पाएँ, वो सब पढ़ पाएँ जो उनको खुशियाँ देता है या फिर वहाँ जा पाएँ जहाँ उनका मन करे. Then, however, those were transitory freedoms. वो जो कुछ भी था, रात में घूमना, स्विम करना, ये सब ट्रांजिटरी फ्रीडम था. द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम वर द फ्रीडम्स फॉर द पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. तो जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम है उसके मायने हैं कि जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी को पूरी डिग्निटी और अपने आत्मसम्मान के साथ बिता पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, व्हाई और व्हाई नॉट. मंडेला जी के अनुसार क्या जो शोषण करने वाला होता है वो आजाद होता है, क्यों और क्यों नहीं. तो मंडेला जी के अनुसार जो ऑप्रेसर है वो भी एक तरह से फ्री नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो शिकार बन जाता है किसका, उनकी नफरत का.
तो आप क्या लिखेंगे? मंडेला थिंक्स द ऑप्रेसर इज नॉट फ्री बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम द हेटर्ड बाय द ऑप्रेस्ड वन. सो जस्ट लाइक एन ऑप्रेस्ड द ऑप्रेसर इज ऑल्सो यू कैन से कॉट अप और द ऑप्रेसर इज जस्ट लाइक टाइड अप विद द हेटर्ड जस्ट लाइक द ऑप्रेस्ड वन. Now we will do the last part of this chapter, that is thinking about the text. And after these questions, your chapter is ended. Now let's take the first question. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? Question में पूछा है कि उस inauguration में अंतर्राष्ट्रीय leaders जो थे, नेता जो थे, वो उन्होंने वो inauguration क्यों attend किया? So you will write down the answer. Such a large number of international leaders attended the inauguration to pay their respect. Then, what did it signify the triumph of? ये किस चीज़ की जीत को दर्शाता था? तो ये it shows or it signified the triumph of equality and liberty. And in fact, it showed that political independence. Now take the second question. When does Mandela mean when he say he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? Mandela ji ka kya matlab tha ye kehne ka ki wo sab ka ek tarah se sum hai, yog hai, jod hai un sab African deshbhakton ka जो कि उनसे पहले चले गए हैं. तो यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि ही हैज ऑल्सो लाइक ही इज ऑल्सो एन अफ्रीकन पैट्रियट और उसके अंदर उन सब देशभक्तों का जो ब्लड है वो समाया हुआ है. उन लोगों की तरह ही जो मंडेला जी थे उन्होंने भी बहुत सारे फिजिकल और मेंटल जो टॉर्चर्स थे वो सब सहे हैं. ही अंडरवेंट all those physical and mental tortures that try a man. जो difficulties होती हैं वो हर एक इंसान को try करती हैं and later on उसे ऐसे मौका पर पहुँचा देती हैं जहाँ इंसान को success मिलती है. तो इसी तरीके से जो मंडेला जी थे उन्होंने भी बहुत सारे physical और mental tortures को सहा था जिनके कारण वो आज उस धरती पर 10 मई को इनॉग्रेशन में एज अ प्रेसिडेंट शपथ ले रहे थे. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू ऐड योर ओन एग्जांपल टू दिस आर्ग्यूमेंट? अब इस पे पूछा है कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन होती है वो हाइट ऑफ करेक्टर को क्रिएट करती है. जितना ज़्यादा आप डिफ़िकल्टीज से होकर गुजरते हैं उतने ही सक्सेसफुल आप हो जाते हैं. और आपको अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल ऐसे देने हैं जो कि इस बात को प्रूव करते हैं. यस, डिफ़िकल्टीज ट्राई अ मैन. एक इंसान जितनी ज़्यादा मुसीबतों से निकलता हुआ, जितने ज़्यादा स्ट्रगल से निकलता हुआ आगे बढ़ता है वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है. इस बात में दोहराए नहीं है कि मंडेला जी ने भी बहुत सारे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर सहे थे. जो साउथ उनको कई बार अरेस्ट किया गया था, उन्हें भी बहुत सारे टॉर्चर दिए गए थे, बट ही वॉज डिटर्मिंड टू हिज ऑल हिज रेजोल्यूशन. उन्होंने सोचा हुआ था दैट ही विल ब्रिंग फ्रीडम टू हिज कंट्री और इसके लिए उन्होंने अपनी जो डिटर्मिनेशन थी उसको कभी भी हिलने नहीं दिया. अगर हम एग्जाम्पल लें तो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ इन आर कंट्री दैट इज़ ऑफ गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल. यू कैन टेक ऑल दोज नेम्स फ्रॉम आर फ्रीडम फाइटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला जी का जो कंसेप्ट था, जो सोच थी फ्रीडम को लेकर, वो उनकी उम्र के साथ और उनके एक्सपीरियंस के साथ कैसे चेंज होती गई?
When Mandela ji was a child or a student, he used to think about the freedom, that the freedom is to go anywhere, to spend a night outside, to swim, to read whatever he pleased, whatever pleased him. तो उनके लिए वो सब आज़ादी थी कि रात में कहीं घूमना, मर्जी से कहीं जाना, ये सब उनके लिए आज़ादी थी. बट एज ही ग्रीव अप, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनको महसूस हुआ कि लोगों के लिए भी आज़ादी उतनी ही ज़रूरी है. दैट्स वाई ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज ओन कंट्री पीपल. और जैसे जैसे उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन के साथ उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए और अपने देश के लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता पाने के लिए. हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? जो आज़ादी की भूख थी वो मंडेला जी को किस तरीके से बदल गई? व्हेन ही वाज अ किड, जब मंडेला जी सिर्फ एक बच्चे ही थे, उनके लिए आज़ादी के मायने दूसरे थे. उनके लिए आज़ादी सिर्फ बाहर घूमना, रात को कहीं बाहर मर्जी से बिताना, तैरना, विलेजेस में घूमना, जो मन मर्जी आए वो पढ़ना, जहाँ मन करे वहाँ चले जाना, ये उनके लिए आज़ादी थी. बट व्हेन ही सॉ हिज कंट्री पीपल deprived of every basic facility that other white people were getting, तो उनको महसूस हुआ कि हाँ, मेरे देश के जो लोग हैं उनको आज़ादी नहीं है. फिर उनकी जो ये भूख थी आज़ादी की, वो बढ़ने लगी. और उस भूख ने, that hunger of freedom changed him into a great man, a visionary, a statesman and a great human being. और इस तरीके से उन्होंने अपने इस सोच और अपने जो देश के आज़ादी के लिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, जो देशभक्तों के साथ मिलकर उन्होंने साउथ अफ्रीका को फ्री कराया, दैट चेंज हिम कम्प्लीटली. सो दीज आर द आंसर्स. आई होप यू ऑल जस्ट गॉट ऑल द आंसर्स. अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू.